हाय दोस्तों, मैं मनोज सर पूर्वालोकन पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो देखिए दोस्तों, जैव विविधता के उपयोग तक ये हो गया था, आज आप लोगों का जैव विविधता पूरा खत्म हो गया है। आज आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसमें से आज का चैप्टर है हरितगृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा में मुख्यतः पराबैंगनी दृष्टिगोचर और अवरक्त विकिरण होते हैं। इन्हें नुकसान पराबैंगनी विकिरण अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाते हैं, जबकि दृष्टिगोचर और अवरक्त विकिरण पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरण के रूप में पहुँचते हैं। ऊष्मीय विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसी गर्मी से विकिरण संवहन और चलन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। अगला देखिए, सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडे होने लगती है, तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन एवं अन्य ऊष्मारोधी गैस इस ऊष्मा की ओर कुछ भाग अवशोषित कर लेती है एवं शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल की ओर वापस कर देती है, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती रहती है, जिसे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैस अवशोषित कर लेती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल की औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अगला देखिए, ध्यातव्य है कि जोसेफ फेरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैस या हरित गैस की संकल्पना दी थी। 1824 में ग्रीन जोसेफ फेरियर ने, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप की अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं और ठीक उसी प्रकार होती हैं जैसे ग्रीन हाउस गैस में ग्लास अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। इसे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैस द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, अतः ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापी अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों को अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैस है, परंतु इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार महत्वपूर्ण दीर्घायु ग्रीन हाउस गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के अपेक्षित यौगिक निम्नवत है। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड 66%, मीथेन CH4 16%, HCFC लगभग 2%, नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 7%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC लगभग 8%, अन्य 1%। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यातव्य है कि पर्यावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है, दूसरी ओर हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल की बाह्य परत ये मुख्य संघटक है। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन पे अंतर सरकारी पैनल द्वारा चिन्हित 6 प्रमुख हरित गृह गैस में मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायित्व तो गैस है। ग्रीन हाउस गैस में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस निम्न है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC, CH6N3 आदि। जब अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस निम्न है तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड न कि मीथेन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा सल्फर डाई ऑक्साइड। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण
शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अगला देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उन ग्रह उपग्रह की वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैस है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, वायुमंडली में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। तो देखिए इसमें ए सही है दोस्तों, क्या है, ए सही है। अगला देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो ग्रीन हाउस के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। तो ए सही है दोस्तों। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैस द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना क्या थी? जोसेफ फेरियर। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जोसेफ फेरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापी अवरक्त विकिरण की रेंज की अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सी गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो डी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 66%, मीथेन CH4 लगभग 16%, HCFs लगभग 2%, नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 7%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग 8%, अन्य 1%। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में कौन सी गैसों का योगदान अधिकतम है? दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या है? दोस्तों, तो यह है कि CO2, CH4, CFC, N2O। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? दोस्तों, तो जलवाष्प। देखिए, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। और देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या होता है? दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी के वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित उत्सर्जित करती है। इनमें से प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी तो नहीं है? तो आर्गन है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अन्य ऊष्मारोधी गैस इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है तथा शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती है, जिससे वायुमंडलीय के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल की औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे वैश्विक ऊष्मन या भूमंडलीय तापन कहा जाता है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है या वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायित्व नहीं होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? दोस्तों, तो देखिए आर्गन। अगला देखिए दोस्तों, हरित गृह प्रभाव क्या होता है? तो देखिए, वैश्विक ताप में वृद्धि। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? दोस्तों, तो सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड। अगला देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है, देखिए दोस्तों, सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन में योगदान नहीं करते हैं, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं जलवाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं जो कि सार्वत्रिक तापन या वैश्विक ऊष्मन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह क्या है दोस्तों? मीथेन है। क्या है? मीथेन। अगला देखिए, धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत है। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्न समुच्चय में कौन सी ग्रीन हाउस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापी अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरण को अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है।
पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं पैदा करती है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्न समुच्चय में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो सी देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए कि निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायित्व तो है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक तापन के लिए उत्तरदायित्व तो है? तो उपयुक्त सभी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है। अगला देखिए, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व तो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो प्रोपेन नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, प्रकृति में यह द्वि आण्विक गैस के रूप में पाई जाती है जो वायुमंडल की बाह्य परत का मुख्य संगठन है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में एक हरित गृह गैस नहीं है? तो देखिए ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न विगत में ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापी अवरक्त विकिरण की रेंज की अंतर्गत विकिरण का अवशोषण उत्सर्जन करती है। पृथ्वी की वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, इनमें से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल द्वारा चिन्हित और प्रमुख हरित गृह गैस में CH4, CFC तथा NO2 शामिल है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखतः उत्तरदायित्व तो गैस है। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्र में इस पुस्तक का विकल्प को सत्य माना, जबकि पूर्व में उत्तर पत्रक को विकल्प सी को सत्य माना था। संभवतः ऐसा उसने ग्रीन हाउस गैस को में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में शामिल गैसों के आधार पर किया है। ग्रीन हाउस गैस में प्रत्यक्ष रूप से शामिल निम्न कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि, जबकि प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस निम्न में नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, नान मीथेन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तथा सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? तो देखिए, पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान हरित गृह गैस एक ऐसी आवरण की तरह व्यवहार करती है जिसमें सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण तो प्रवाहित हो सकती है, परंतु पृथ्वी से वापस जाने वाला दीर्घ तरंग विकिरण इसे पार नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ता जाता है, इसलिए प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण से किसी सार्थक वृद्धि का प्रमाण नहीं हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए जलवाष्प प्रमुख हरित गृह गैस है। इसका हरित गृह प्रभाव में सार्थक योगदान है, परंतु यह हरित गृह प्रभाव की तीव्रता से भी प्रभावित होती है। हरित गृह प्रभाव को जो वातावरण को गर्म करता है से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है जो वायु में आर्द्रता की मात्रा को बढ़ा देती है। हरित गृह प्रभाव जो वातावरण में ऊष्मा और आर्द्रता में वृद्धि करता है से जो जीवधारियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ऊष्मा एवं नमी प्रजनन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यद्यपि यह कथन सही है, परंतु यह उत्तर नहीं हो सकता है क्योंकि वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं है। हरित गृह प्रभाव, अब देखिए हरित गृह प्रभाव से तापमान एवं दाब का प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने से दाब कम होता है और वायु की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। अतः प्रश्न के संदर्भ में सही उत्तर होगा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, सौर विकिरण की अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। अगला देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है जिसे अधिकांश भाग को वायुमंडली में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि ग्रीन हाउस गैस अवशोषित कर लेती है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। अगला देखिए, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है वही भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक है। अगला देखिए, मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती है बल्कि समुद्री पादप या
भूमि पर पौधे और मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप प्लवक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसी पादप सामग्री में परावर्तित कर देती है। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव। प्रभाव डालती है और क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि व विकास संभव होता है। अगला देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता जलवाष्प के अतिरिक्त अन्य ग्रीन हाउस गैस की तुलना में बहुत अधिक है। यह वायुमंडल में जलवाष्प से काफ़ी समय तक रहती है। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ दशकों से वातावरण में CO2 की सांद्रता लगातार वृद्धि हो रही है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ है कि वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आदि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण है। वर्ष 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 315 PPM के आसपास थी, अब यात्रा 415 PPM पार कर चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस तरह बढ़ रही है कि 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 PPM हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री C बढ़ जाएगा। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 थी, जिसमें वायुमंडल में समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म, ईंधन के जलने आदि से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। ध्यातव्य है कि मीथेन गैस की मार्स गैस भी कहते हैं, जिसको स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन तथा जुगालू करने वाला पशु है। यह एक हरित गृह गैस होता है। धान के खेत में कोयले की खदानों और घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन की मानव जनित स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्री हाइड्रेट्स आदि प्रथम उत्सर्जन की प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मीथेन जल की अणु से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टली संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। इसके पिघलने पर यह पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे महाद्वीप उपांतों में तलहटी निक्षेप, अंतस्थलीय गहरे जलीय निकायों तथा गहरे समुद्री तल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। इसके पिघलने से वैश्विक तापन और उसके दुष्प्रभाव और तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय ही विद्यमान रहती है और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। चावल की खेती से संबद्ध अवायवी परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है तथा जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारणों में जीवाश्म ईंधन को अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अधिक वृद्धि आदि आते हैं। अतः वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। अगला देखिए, नासा एवं अन्य की अध्ययन सौर धारक में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलाने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैस एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, फसल जैव मात्रा की अवशेष जैसे धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों की अवशेष के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन और नॉन मीथेन, हाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बनिक यौगिक, ओजोन, निलंबित कण, एरोसोल्स आदि निमुक्त होते हैं, जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है कि ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, उपयुक्त सभी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैस एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है।
तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षय, प्रदूषण उपयुक्त सभी है। इसमें देखिए मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। अगला देखिए, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वही भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक भी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कार्बन निषेचन का सर्वोत्तम वर्णित करता है, तो देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्त तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि व विकास संभव होता है। अतः विकल्प ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, तो यहाँ देखिए जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रज्वलन और तैल चलित स्वचालित की संख्या, विस्फोटन। अगला देखिए इसमें क्या है, अत्यधिक वनोन्मूलन। अगला देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कारक, और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारणों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाली वाहनों की संख्या में अधिक वृद्धि आदि आते हैं। अतः वायुमंडल में कार्बन बढ़ रहा है जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करके जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा व अन्य की सौर धावक में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए, तो देखिए इसमें क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो फसल जैव मात्रा की अवशेष के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सा निम्नलिखित होता है दोस्तों, तो 1, 2, 3, 4 चारों होते हैं। यहां देखिए फसल जैव मात्रा के अवशेष धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों की अवशेष के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन और नॉन मीथेन, हाइड्रोकार्बन तथा अस्थिर कार्बन यौगिक, ओजोन, निलंबित कण, एरोसोल्स आदि निमुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उपयुक्त विकल्पों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैस की तुलना में बहुत अधिक है। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ दशकों से वातावरण में CO2 की सांद्रता से लगातार वृद्धि हो रही। अगला देखिए वैश्विक उत्सर्जन का कारण क्या हो सकता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। अगला देखिए भूमंडली उष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या हो सकता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, तो देखिए 0.03%। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो देखिए धान की खेत में, कोयले की खनन में, पालतू पशु में, आर्द्र भूमि में, तो 1, 2, 3, 4। अगला देखिए मीथेन निम्न में से किससे निकली या उत्सर्जित होती है, तो सी क्या है दोस्तों, केवल धान के खेत से, केवल धमनी के बाबी से। अगला देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापन में वृद्धि करती है वह क्या है दोस्तों, मीथेन। अगला देखिए धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबद्ध है वह क्या है दोस्तों, मीथेन है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भावी स्रोत है दोस्तों, तो धान है। अगला देखिए जुगाली करने वाले पशुओं जिसमें ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह क्या है दोस्तों, मीथेन है। अगला देखिए हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है क्योंकि
बी क्या है दोस्तों, समुद्र में पादप लवक का प्रकाश संश्लेषण करते, यही सही है, बी सही है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि मीथेन हाइड्रेट के निक्षेप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, भूमंडलीय ताप के कारण इन निक्षेपों में मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो जाता है, ये भी सही है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवी टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं, ये भी सही है। वायुमंडल के अंदर मीथेन एक दो दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सही है, एक दो तीन सही है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहा है, इसके लिए कौन सा कारणों का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो देखिए, इसमें चावल की खेती से संबद्ध आवायु परिस्थितियाँ मीथेन के उत्सर्जन का कारक है, सही है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो एक दो दोनों सही है। अब देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, भूमंडलीय उष्णता या तापन प्रभाव हिम क्षेत्र में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे और सागर तट के सीमावर्ती क्षेत्र में तेजी से डूब रहा है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश अपने ऐसे तटों को गवा चुके हैं। समय से पूर्व और आना वैश्विक तापन से संबंधित तथा वैश्विक तापन में श्वास को प्रभावित हो रहा है। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर वैश्विक तापन द्वारा सामान्यतः पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है। वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए IPCC द्वारा प्रकाशित नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापन पूर्व औद्योगिक स्तर 2 डिग्री सी बढ़ जाता तो विश्व भर में प्रवाल मत्तरता घटित होगी, साथ ही पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का 1/6 भाग रूपांतरित हो जाएगा और पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों का 1/4 भाग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। यदि विश्व का तापन पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सी से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीव मंडल एक नेटवर्क कार्बन स्रोत और ओर से प्रवृत्ति हो रहा है, साथ ही पारिस्थितिक तंत्र का 1/5 से अधिक भाग रूपांतरित हो जाएगा और 30% तक ज्ञात प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, वैश्विक उष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। IPCC के अनुसार वैश्विक उष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात तूफान बवंडर आदि की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार वर्ष 1990 और 2100 के मध्य तापमान में 14.4-5.8 C की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया। इस वैश्विक ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप ध्रुवी क्षेत्र सहित विश्व के 144 में से 142 पर्वतीय हिम टोपियों में के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र तल में वृद्धि, इधर दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सार्वभौमिक संपर्क से बेहतर ये गलत है, हिमाद्री द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्व आम बौराना, स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ना, तो 2, 3, 4 सही है दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि भूमंडलीय उष्णता या तापन प्रभाव हिम क्षेत्र से तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र में तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया की अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गवा चुके हैं कि समय से पूर्व आम में बौर आना और वैश्विक तापन से संबंधित तथा वैश्विक तापन से श्वास भी कुप्रभावित हो रहा है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है, तो देखिए इसमें क्या है, समुद्र जल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, अगला देखिए बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, तो इसमें क्या सही दोस्तों, 1, 2, 3, 4। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जीवन की समक्ष गंभीर चुनौती है, इसके कारण ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी और समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, प्रवाल भित्ति का विरंजन होगा और तथा चक्रवात तूफान बवंडर बाढ़ बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ेगा। निम्नांकित में कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक ताप द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। अगला देखिए आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर वैश्विक ताप द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है। वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है।
अगला देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापन पर पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सी से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापन पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सी पर बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? तो देखिए अगला क्या है दोस्तों, स्थलीय जीव मंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्ति होगा और विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। और इसके बाद देखिए अगला क्या है दोस्तों, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी की, चक्रवात की, तूफान की, बवंडर की। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी पिछली शताब्दी में पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है? तो 0.9 डिग्री सेल्सियस। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 1.8। या हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह की औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सी। यदि किसी महासागर का पादप प्लवांग किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 1 और 2 सही है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ग्लोबल ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए ग्लोबी ताप वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह कि इससे ध्रुवी बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, सही है। और इसमें देखिए यदि ग्लोबी ताप वृद्धि में वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह पर 1 मीटर तक संभावित रहेगा, गलत है। विश्व के समस्त मूंगों के द्वीप डूब जाएंगे, यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इस वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो इसमें 1, 3, 4 सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।